डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेजर्ट एरिया। ठीक है, देखिए डेजर्ट एरिया की अगर बात करते हैं तो डेजर्ट एरिया वह होता है जहाँ पे 75 से या 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, तो इंडिया में मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी बारिश तो होती है पर ईयर, लेकिन अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं तो डायरेक्ट हमारा जो कंसनट्रेट है वो सारा का सारा कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, डेजर्ट एरिया जो हमारा है वो है राजस्थान में। यहाँ पे थार डेजर्ट है, इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, वो राजस्थान में है। और यहाँ पे जो रेनी सीज़न में अगर हम बात करते हैं रेन की, तो वो 75 से ज़्यादा नहीं जाती है, 75 सेंटीमीटर से कम ही रहती है, इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसमें अरावली जो रेंज है हमारी, ठीक है, तो वो डेजर्ट एरिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज़ की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो कोस्टल एरिया है हमारे पास, ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। वेस्टर्न कोस्टल एरिया हमारा गुजरात से तमिलनाडु तक, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया उड़ीसा से तमिलनाडु तक, या हम चेन्नई तक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों कोस्ट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में, लोकेशन एंड साइज़ वाला जो हमने बताया था दोनों कोस्ट के बारे में, वो हमने बता दिया था। यहाँ पे एक लैटिट्यूड लाइन है स्टूडेंट्स, 16 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, जो इन दोनों कोस्टल एरियाज़ को डिवाइड करती है। 16 डिग्री नॉर्थ से ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्थ साउथ का एरिया है, और नीचे का जो एरिया है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी एक खासियत ये है कि जो ईस्टर्न जो कोस्ट है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है। इन दोनों में एक डिफरेंस ये है डियर फ्रेंड्स कि इनकी दोनों की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और विड्थ है वो कम है। ठीक है, दो हमारे कोस्टल एरिया है, नंबर वन ईस्टर्न कोस्टल एरिया, नंबर दो वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइलैंड के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मेन लैंड है, जो जो आइलैंड है वो हमारे पास दो हैं। ठीक है, नंबर एक अंडेमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, नंबर दो लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार है वो है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, अंडमान और निकोबार के। ये अगर देखो, वैसे तो ये दो हैं, दो आइलैंड हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को अगर अंडमान मान लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ द साउदर्न अंडमान एंड दिस इज़ द मिडल अंडेमान एंड दिस इज़ द नॉर्दर्न अंडेमान। ठीक है, अगर हम इसी को निकोबार मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ द ग्रेट निकोबार, ठीक है, दिस इज़ द मिडल निकोबार एंड दिस इज़ द नॉर्थ निकोबार। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरे को एक अंडमान मानते हैं तो इसके तीन पार्ट हैं, और इसको निकोबार मानते हैं तो इसके भी तीन पार्ट हैं। ठीक है, ये यह है यहाँ पे लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया का सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके अंदर इनके वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं उनके वेस्टर्न पार्ट, और जो वेस्टर्न जो स्टेट हैं हमारे साउथ के उनके ईस्टर्न पार्ट्स इसमें शामिल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,